को जो है हमने अपना टेंट लगाया था। पहले हम वहाँ पर जा रहे थे खुले में, लेकिन वहाँ पर कोई जो है जगह नहीं थी टेंट लगाने की, फिर हमने यहाँ पर लगाया। और जस्ट यहाँ पर जो है माता का दरबार है। सुबह का 7 बजने वाला है और अभी जो है हम मंदिर से नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ध्वज खंडेश्वर महादेव में पहले हम वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद जो ऊपर होती है, कल हम वहाँ दर्शन करके सीधा ऊपर आ गए थे, तो अभी वहाँ जाएंगे, पहले वहाँ पूजा करेंगे, फिर यहाँ होगी हमारी पूजा। दोस्तों हम आ चुके हैं खंडेश्वर महादेव में और यहाँ पर कोई पानी की टंकी है, तो पहले हम यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि स्नान करना ज़रूरी है, और उसके बाद मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। और पानी ऐसा हो रहा है यहाँ बर्फ का दोस्तों, चिल्ड एकदम, हाथ जम जाने वाला। तो दोस्तों स्नान हो गया है और अब जाते हैं पूजा करने को, ठंडा पानी बहुत था, बहुत ठंडा पानी है यहाँ। बिल्कुल बढ़िया, बिना बुलावा के कोई नहीं आता है, जो आ भी जाता है तो अंदर नहीं आ पाता है जी। ना वहाँ से ना यहाँ से, ये भी बता देता हूँ, सरदार सबसे बढ़िया है। दोस्तों 270 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं माता के दरबार में, और टाइम भी कुछ हो गया है 8:30, और अभी जो है यहाँ पर भी मौसम माउंटेन्स क्लियर है, हल्का हल्का फॉग आने लग गया है। पहले आपको कराते हैं माता के दर्शन। आवश्यकता पड़ी नहीं, तो हम जो है ये महाराज जी के पास रख जाते हैं, कोई और हमारे जैसे आएंगे तो उन लोगों के काम आएगा, इसको हम यहीं रख जाएंगे।
तो दोस्तों 10 बजने वाला है और अभी तक का हम जो है यहीं बैठे थे, मैया ने दर्शन दिए, काफ़ी समय काफ़ी बार दर्शन दिए यहाँ को। अब जो है हम अपना सामान पैक करते हैं। राहुल भाई करें बिस्तर लगाओ और ये टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है। राहुल भाई चले फिर अब घर को। टाइम आ गया है, 270 सीढ़ियां उतरेंगे पहले हम राहुल भाई और मैं। कल जिस हिसाब से आए थे बहुत तो जल्दी जाएंगे ढलान है और वजन भी काफी कम हो गया है। 10 बज के जो है अभी 37 मिनट हो रहे हैं यहाँ को और कब जो हम डाउन होते हैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। टॉप से आ रहे हैं और हमने जो जाना है वो नीचे पे दिख रहा है यहाँ को, यहाँ जाना है हमने, ये जो जगह दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है अपनी स्कूटी पार्क की है। अभी 20 मिनट हो लेंगे, 20 मिनट हैं, इनको डाल लेना वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। बता आपका ब्लॉग का नाम क्या है? बिंदास आशीष कर दे। ठीक है भैया, हम सब्सक्राइब कर। हां बिल्कुल। कितने फॉलोअर बढ़ गए? 4। आप लोग कहां से हो? डीडीहाट से। अरे कुछ नहीं हुआ, पीछे भी है सपोर्ट बेटा। तो नीचे से पैदल आ रहे हो या आधे रास्ते से? गाड़ी की जानते हैं इतना ही काम करेगी। ठीक है, ये बताओ अपने नेटवर्क नहीं आ रहे। बिंदास आशीष, ठीक है उसमें डाल लो। बाय, जय माता की। नेट ओके, बाय। तो दोस्तों माता की कृपा से यहाँ को बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और चैनल का नाम भी पूछ के ले जा रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग भी करना बेहिचक, क्योंकि आगे से हम ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, तो आप अपना सहयोग बनाए रखना हमारे साथ। तो दोस्तों चढ़ाई से ज़्यादा जोर तो यहाँ उतरने में पड़ रहा है थाइस में। अरे राहुल भाई चढ़ाई आसान थी इससे तो बैग नहीं होता, फिर तो दौड़ भी जाते हम, क्योंकि हम भी पहाड़ के ही बेटे हैं, सनो पहाड़ हैं हम भी। चलो ओ भाई ये चढ़ाई, ओ भाई ये ढलाई, ओ भाई ये ढलाई।
खोपड़ियां फूट जावेगी। सो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं रोड के पास और यहाँ पर को होगी हमारी गाड़ी। और बूबू जी लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने आपको हमारी गाड़ी रखने की परमिशन दी और हमारा हेलमेट वगैरह संभाल के रखा। तो बंद है बूबू जी की अभी, लेकिन हमारे हेलमेट नहीं, मैं चलाऊंगा ये। तो चलते हैं अब हम घर की ओर। पेट्रोल पंप में और हमारी स्कूटी में 1-2 अभी तक तो 3 डंडे कम थे, अब 2 ही दिखा रहे हैं। तो तेल भरा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गुरना माता के मंदिर में और आज यहाँ जो है भंडारा लगा है, तो हम भंडारा चखते हैं पहले यहाँ, फिर बढ़ेंगे आगे को। यहाँ एक नहीं 2-2 भंडारे चले हैं और हमने थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद ले लिया है। अब आगे जाके खाना खाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है 1:45। और दोस्त हम पहुंच गए हमारे घर में और चाचा हमें रिसीव कर रहे हैं। चाचा प्रणाम। चाचा बढ़िया। चाचा चाचा हमारी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। चाचा का आशीर्वाद था, सब चाचा का आशीर्वाद।